हाय गाइस, आज एक नए प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है सिंपर वीवम आर्केनोइडियम एंड ये एक सैक्यूलेंट प्लांट है और वेरी इजी टू ग्रो है। एंड इसके बहुत सारे सिंपर वीवम आर्केनोइडियम तो इसका साइंटिफिक नेम है, बट इसका जो कॉमन नेम है वो है हाउस लीक, हैंसन चिकन एंड बहुत सारे अदर नेम्स हैं इसके। और ये सबसे इजी में पहचान आने वाला है सक्यूलेंट, बिकॉज आप इसके ऊपर देखोगे तो ये कॉब वेब, इसका नाम कॉब वेब भी है, तो ये स्पाइडर की वेब की तरह इसके ऊपर ये ऐसे आते हैं। और ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा इसका रोजेट काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत इजी टू प्रोपोगेट है और ये अब इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है एवरी ईयर। ये आपका जो सेंटर वाला रोजेट है काफ़ी सारे रोजेट्स अपने आसपास दे देगा, तो आपको एक ही प्लांट से काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो इसमें और इसकी ये एक ऐसा सक्यूलेंट है जो लोग स्नो एरियाज़ में रहते हैं और उन्हें प्रॉब्लम होती है कि सक्यूलेंट्स डाई हो जाते हैं फ्रॉस्ट से। तो इसमें क्या है, फ्रॉस्ट ये जो ये आप वेब देख रहे हो कॉब वेब, तो इसकी वजह से स्नो इसके ऊपर ज़्यादा टिक नहीं पाती तो ये बच जाता है बहुत ज़्यादा सर्दी में भी। और ये एक ऐसा सक्यूलेंट है जो आप समर्स में भी ग्रो कर पाओगे। तो ये जैसे कि मैं नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में हूँ, तो आप दिल्ली में हूँ मैं, तो ये एक ऐसा सक्यूलेंट है जो आप यहाँ पे इजीली मतलब ग्रो कर पाएंगे इस गर्मी में भी। तो आप इसको पार्शल शेड में रखें क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही समर्स बहुत ज़्यादा ही हार्श होती हैं। तो प्रोपोगेशन वही है, आपने जब भी ये इसके रिजल्ट्स आ जाएँ आपने इसको अलग अलग कर देना और आपके न्यू प्लांट्स हो जाएंगे। और जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो इसमें इनके ऊपर ब्लूमिंग होती है, तो फ्लावर जब आता है तो मैं आपको बताता हूँ, जब इसमें फ्लावर आएंगे तो एक इसका जब फ्लावर आता है तो ये ना मतलब फ्लावर आने के बाद इट विल डाई। तो इसलिए आप जब भी इनके बेबीज़ हों तो इनको अलग करते रहिए, लेकिन टेंशन की बात नहीं है क्योंकि वो जो है डाई होने का वो बहुत टाइम बाद फ्लावर्स आते हैं, ऐसे इतनी जल्दी नहीं कि आपने लिया ये जितना ये पूरा है इतना इससे बड़े बड़े इसके रिजल्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत साल की बात है। बट हाँ, आप जब भी इसके ऊपर फ्लावर्स आएँ आप उसको कट कर दें तो मे बी वो सर्वाइव कर जाएगा, और शायद बेबीज देना बंद कर दे बट सर्वाइव कर जाएगा। तो यही इसकी केयर एंड मतलब केयर तो आप मतलब इसमें वही आपको हाई ड्रेनेज वाली सक्यूलेंट सॉइल यूज़ करनी है, एंड वाटरिंग तभी करें जब ये 1 to 2 inches इसका जो है ड्राई हो चुकी हो सॉइल। तो और मैं थोड़ा इसका आपको प्राइस भी बता देता हूँ, इसके प्राइस अराउंड 150 to 250 डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट्स होता है। बट जैसे कि मैं तो ये काफ़ी क्वांटिटी में बाय किया है तो ये मेरे को अराउंड 100 rupees पड़ रहा है इसका प्राइस, इतने सारे रिजल्ट्स का, तो ये पूरा 100 का पड़ा है। तो मेरे को ये सही रेट लगे थे तो मैंने बहुत सारे बाय किए हैं, एंड इन फ्यूचर मैं और भी वीडियोज़ आपके साथ लेकर आऊँगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।